इतिहास के पन्नों में आज का दिन बेहद खास है। आज यानी 14 सितंबर वो तारीख है जब साल 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। आइए जानते हैं कैसे बनी हिंदी हमारी राजभाषा। आजादी के बाद भारत की राजभाषा का मुद्दा सबसे अहम और विवादित था। विवादित इसलिए क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। ऐसे में राजभाषा का दर्जा किसे दिया जाए, ये सवाल अहम था। काफी सोच विचार के बाद संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा। 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से संविधान सभा ने इस पर मुहर लगा दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को देखते हुए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की सलाह दी। पहला हिंदी दिवस साल 1953 में मनाया गया। अंतरिक्ष विज्ञान की नज़र से भी आज का दिन खास है। आज यानी 14 सितंबर साल 1959 को रूसी अंतरिक्ष मिशन लूना 2 चांद की सतह से टकराया था। बता दें ये दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान था जिसने चांद की सतह को छूने में कामयाबी हासिल की थी। बता दें इस मिशन को सोवियत संघ ने पूरी तरह गुप्त रखा था, दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। 14 सितंबर को 12,000 किलोमीटर की रफ्तार से जब ये चांद से टकराया तो तहस नहस हो गया था। ये वो दौर था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। ऐसे समय में इस मिशन का फेल होना सोवियत रूस के लिए बड़ा झटका था, लेकिन इससे इतर ये पहला मौका था जब किसी स्पेस क्राफ्ट ने चंद्रमा की सतह को छुआ था। ये कामयाबी इससे बड़ी थी। आज का इतिहास भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से भी अहम है। आज ही के दिन साल 2000 में तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था, भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापक आधारित द्विदलीय समर्थन का ये प्रदर्शन उत्साहजनक है। ये राष्ट्रपति क्लिंटन और मेरे लिए प्रोत्साहन का स्रोत है, क्योंकि हम अपने संबंधों में एक नई गुणवत्ता लाने के लिए मिलकर काम करते हैं।